सो हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेकीला। तो आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा सिंपल सा ट्यूटोरियल दिया है कि आप कैसे उन सारे ईमेल्स को डिलीट कर सकते हैं जीमेल में से जो बहुत आपका स्पेस यूज़ कर रहे हैं गूगल पे। तो एक छोटी सी वीडियो है, तो इसको तो वीडियो को एंड तक देख ही लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी जैसे हम आ चुके हैं जीमेल के डैशबोर्ड में, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके अलग अलग कैटेगरीज बनी होगी, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन। तो आप इन सब को डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीमेल एक्चुअली जो जीमेल के सारे ईमेल्स होते हैं वो आपके गूगल पे बहुत सारा डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं। एंड वैसे भी जून 1 है आज से, तो आपको पता ही है गूगल ने क्या करा है। तो बस आपको ऊपर सर्च बॉक्स के नीचे चेक बॉक्स बना होगा, इसे क्लिक करना है। इससे सारे ईमेल जो इस पेज पे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट ऑल इतने कॉन्वर्जेशन इन प्राइमरी। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे एंड डिलीट के बटन पे जाएंगे, तो आप इसे बस ओके कर देना है। ये क्या करेगा, उस टैब के सारे ईमेल्स को डिलीट कर देगा। थोड़ी सी एक दो सेकेंड का डिफरेंस होगा, सबको डिलीट कर देगा। तो ये जो सारा डिलीशन होगा, ये प्रोसेस जो होगा, ये आपके एंड्रॉयड और अगर आपके iOS में आपने जीमेल ऐप डाल रखी है तो वहाँ पे भी ये डिलीशन आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो बस आपको एक दो बार, आपको हर 5-6 महीनों में एक दो बार आपको अपने लैपटॉप में जाके इसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेटा कंज्यूम करते हैं एंड साथ साथ बहुत ही क्लाउड स्पेस आपका घेरते हैं आपके जीमेल अकाउंट में। और जैसे मैं बता रहा था, जून 1 है, तो गूगल ने अपनी ये हाई क्वालिटी इमेज या फिर वीडियो को डिसकंटिन्यू कर दिया है अपलोड करने से। तो बस ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आप इन सब चीज़ों को करें एंड अपने गूगल ड्राइव के स्पेस को बचाएं। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। गुड बाय एंड टेक केयर।